think Yoram spends his entire income on 11 sacks of acorns and 5 crates of butter nuts. So 11 times PA plus 5 times PB is equals to I. That's income, that's first equation. The price of acorn is just $4 per sack, and his income is 94. So $4 per sack, 44 plus 5 PB is equals to 94, which implies PB should be equal to 10. He can just afford a commodity bundle with A sacks of acorns and B crates of butternuts, which satisfies the budget equation. So basically bas budget equation nikalni hai tumko. So once you get PB, the budget equation becomes 4 times, so PA has been given as 4, okay, PB tumne nikal liya 10. So the budget line becomes 4 times A plus 10 times B is equals to income. Okay, so 4A plus 10B, हाँ, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है ना? ओके, इनकम 94 है. एक सेकेंड. ऑल राइट, या सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. या दैट्स व्हाट यू नीड टू सी. सो इफ आई मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 2, इट डज नॉट चेंज, राइट? इट्स द सेम इक्वेशन. सो 8 टाइम्स ए प्लस 20 टाइम्स बी इज इक्वल्स टू 188. सो इट्स द सेम इक्वेशन, इज जस्ट मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2. सो द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाई इट विल नॉट चेंज. मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2 डज नॉट शिफ्ट द लाइन हियर. ओके, इट्स नॉट लाइक कि पहली लाइन ये है, मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लाइन ये बन गई. नो, द लाइन इज स्टिल द सेम. ओके, बिकॉज इस इक्वेशन में अगर मैं, इफ आई फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, द इंटरसेप्ट्स आर गोइंग टू बी आई बाय पी एक्स, सो दैट्स 94 बाय 4, एंड आई बाय पी वाई, सो दैट्स 94 बाय 10, एंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर गोइंग टू बी 188 बाय 8 एंड 188 बाय 20. ओके, सो द इंटरसेप्ट्स आर स्टिल द सेम. ठीक है, 188 बाय 8 इज सेम एज 94 बाय 4, एंड 188 बाय 20 इज सेम एज 94 बाय 10. सो इट्स नॉट डिफरेंट, इज द सेम इक्वेशन. सो उसने, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टू टेल यू कि आई कैन मल्टीप्लाई द एंटायर बजट इक्वेशन बाय 2 एंड द इक्वेशन विल स्टिल बी द सेम. द बजट सेट विल स्टिल बी द सेम. बजट लाइन विल स्टिल बी द सेम.